कोलकाता में एक सिपाही द्वारा महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला थाने में तैनात पैरोकार रामभूल 16 दिसंबर को मिरहची थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के घर पहुंची और उसके नाम से दहेज उत्पीड़न का वारंट होने की बात कहते हुए 20,000 रुपए के जुर्माने की बात कही और 24 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने की बात कहते हुए महिला को वारंट देने के बाद कहा दोपहर बाद आने की बात कही। दोपहर में जब सिपाही रामभूल महिला के घर पहुंचा तो महिला से अश्लील बातें करने लगा और कुछ देर बाद महिला से पानी मंगाया और अपनी जैकेट से शराब निकाल कर पीने लगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो सिपाही नहीं माना तो महिला ने सिपाही को पीटा भी, लेकिन शराब के नशे में धुत सिपाही ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। अपनी मां के साथ सिपाही की ये करतूत उसकी बेटी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सिपाही अब महिला और उसकी बेटी को धमकी दे रहा है और मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बना रहा है। बताया जा रहा है कि न्यायालय से महिला के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के वारंट के सिलसिले में जब महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय से जारी हुए वारंट को दिखाया तो पता चला कि न्यायालय में इस नाम से कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, जिसे सुन महिला दंग और सन्न रह गई। पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी को भेजी। वहीं सोशल मीडिया पर सिपाही पर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि महिला से संपर्क किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। हमें अपनी जान को बहुत खतरा है साहब, हमारी कुछ सुरक्षा करी जाए और मतलब हमें अपनी जान को बहुत ज्यादा जाए में खतरा है। बच्चों को लेकर, बच्चों को बहुत खतरा है सर, हमारे कमाओ को, लड़कों को बहुत खतरा है हमारे को। किनसे खतरा है, किनसे खतरा है? और पास ये यादव ज्यादा दबा डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं दबाव में? दबाव में यही फैसला बारी बात कह रहे हैं। सिपाही ने कोई फोन किया था आपको? हाँ, सिपाही ने फोन किया सवेरे 5 बजे फोन किया मेरे फोन पर, मैंने रिसीव नहीं किया है। में आई है कि महिला थाने में नियुक्त किसी आरक्षी द्वारा मिरहची की किसी महिला से आपत्तिजनक कृत्य किया गया है, अशोभनीय व्यवहार किया गया है। इस संदर्भ में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि क्या शिकायत है और क्या घटना है। इस महिला से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और सिपाही का नाम जानने का भी प्रयास किया जा रहा है कि कौन है वो, और इस संदर्भ में बहुत जल्दी शिकायत प्राप्त की जाएगी। अगर इसमें घटना में सत्यता होगी तो नियमानुसार कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी।